रैयत विस्थापित मोर्चा की बैठक में एक बार फिर से रोजगार का मुद्दा छाया रहा। मोर्चा के अध्यक्ष बिगन सिंह भोक्ता ने कहा कि मधुकम कंपनी के द्वारा आंदोलन के बाद मात्र 5 लोगों को अभी तक काम पर रखा गया है, जबकि कई लोगों को रोजगार देना बाकी है। यदि कंपनी 5 मार्च तक इस पर कोई पहल नहीं करती तो मोर्चा के लोग 6 मार्च से मधुकम कंपनी का काम काज बंद कराएंगे। बैठक में रामलखन गंजू, नरेश गंजू, जालिम सिंह, देवपाल मुंडा, शिवनारायण लोहरा, लालचंद विश्वकर्मा समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आज रैयत विस्थापित मोर्चा ने बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क में समीक्षा बैठक रखा गया और उसमें इनके एरिया में तमाम आउटसोर्सिंग जो कंपनी जो यहाँ पर चल रहा है उसका लेकर के एक जो हम लोग उससे बर्ता हुआ था कि यहाँ के जो रेत लोग के जमीन जगह से बेघर हो गया, जमीन जगह जा रहा है तो उसमें यहाँ रोजगार देना होगा, तो बर्ता में आया था कि ठीक है से फिलहाल हम अभी 5 आदमी के देंगे और 10 आदमी के हम 15 रोज के बाद दे देंगे। लेकिन 15 रोज से कहीं तो मोटा मोटी महीना भर हो गई है तो आज तक ले कंपनी को जो हम लोग एक लिखित सूचना दिए है रैयत विस्थापित मोर्चा की ओर से कि भाई अगर 5 तारीख तक ले अगर मोर्चा साहब बर्ताव नहीं करते हैं और निदान नहीं करते हैं जो 10 लोगों का भी जो आपका बहाली करना है तो हम लोग को कभी भी इनका जो कंपनी जो चल रहा है काट हम लोग बंद कर देंगे रैयत विस्थापित मोर्चा की ओर से। इतने कह के हम लोग आज फैसला लिए हैं और आगे के राजनीतिक हम लोग 5 के बाद बनाएंगे।